बनाएंगे। सेम आठ तरह की होती है, जिसमें से आज चार तरह की सिलाइयां हम आपको करना बताएंगे, जो हमें बनाने के बाद सिलाई करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो हमारी पहली सीम है प्लेन सीम। पहले कपड़े को बीच से फोल्ड करेंगे और यहां से कपड़े को अलग कर लेंगे। ऐसे प्लेन सीम बनाने के लिए स्केल इस तरीके से रख के पेन से लाइन ड्रॉ करेंगे या चॉक से। अब जो जगह पे हमने ड्रॉ किया है इस पे हम एक सिलाई चलाएंगे। हमने कपड़े पे ये प्लेन सीम लगा ली है, आप देख सकते हैं। धागे का अपोजिट कलर का यूज किया है कि आपको अच्छे से सीम समझ में आ सके। अब इस कपड़े को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी पहली सीम प्लेन सीम तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी सीम बनाएंगे। प्लेन सीम का यूज कपड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम दूसरी सीम बनाएंगे। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से कपड़े को दो पार्ट में कर लेंगे। अब पहले ही सीम की तरह हम इसमें पहले प्लेन सीम लगाएंगे। प्लेन सीम लगाने के लिए मार्क कर लेंगे और प्लेन सीम लगाएंगे। ये हमने इस पे प्लेन सीम लगा ली है। अब इस तरीके से हम इसको प्रेस करके बराबर से यहां पर कपड़े को, सारे मोटे कपड़े को एक साइड में करके सीधी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इतनी दूरी पर। इसको कहते हैं प्लेन सीम विद सिंगल स्टिच। ये कपड़े को मजबूती देने के लिए लगाई जाती है। सिलाई लगा लेते हैं इस पे। ये प्लेन सीम विद सिंगल स्टिच रेडी हो चुकी है। अब हम तीसरी सीम बनाएंगे प्लेन सीम विद डबल स्टिच। तो इसके लिए कपड़े को बीच से फोल्ड करेंगे, कपड़े को बीच से कट कर लेंगे और सबसे पहले एक प्लेन सीम लगा लेंगे। प्लेन सीम लगा ली है। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे और बैक साइड से दोनों मार्जिन के कपड़े को अलग अलग कर लेंगे ऐसे, और इस पे प्रेस कर लेंगे फिनिशिंग के लिए अच्छे से। अब मार्जिन का दोनों कपड़ा दोनों तरफ जा चुका है। अब इस पे हम सीम लगाने के लिए मार्क करेंगे। एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाई जाएगी। अब इस पर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन के दोनों साइड में सिलाइयां लगा ली हैं। इस सिलाई का यूज कपड़े में मजबूती के लिए और डिजाइनिंग पर्पस से यूज किया जाता है। तो चलिए अब चौथी सिलाई भी बना लेते हैं। इस सीम का नाम है फ्रेंच सीम। सबसे पहले कपड़े को बीच से कट कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करके। और इस पर अब एक प्लेन सीम लगा लेंगे। पहले मार्क कर लेंगे और प्लेन सीम पहले लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन के आधे कपड़े को काट कर अलग कर देंगे और कपड़े को इस तरीके से ओपन करके
सीधा करके यहां पर एक सीम लगाएंगे। ये सीम ऐसे कपड़ों में यूज की जाती है जिसमें रेशे निकलने का डर हो। ये सीम हमारी लग चुकी है, देखिए इसमें दोनों ही तरफ कहीं भी सिलाई दिखाई नहीं देती। ये हल्के कपड़ों में जहां रेशे निकलने का डर हो वहां पे यूज की जाती है। तो हमारी चार बेसिक सीम कंप्लीट हो चुकी है। इसकी अगली चार सीम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।